डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक नया क्वेश्चन का सेट बनाने के लिए आज आप तैयार हो जाएं। ये सेट है करंट एक्सप्रेस वाला सेट, जो पहला सेट आया था 77वां एपिसोड, जिसमें 10 मिनट में आपको 15 टॉप के क्वेश्चंस बनाने को मिलते हैं। इसमें क्वेश्चंस की संख्या कम है, लेकिन ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात यह कि एक टॉपिक्स का जो चल रहा है हम लोगों का रिविज़न, वो डेली 10 बजे रात में एपिसोड उसका आएगा। मतलब ये कि इसका एपिसोड अब डेली 10 बजे रात में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल होपफुली शार्प 10 आपको एवरीडे ये टॉपिक जो हम लोग डेली रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक्स को, तो ये भी आप करें। साथ ही आज के इस एपिसोड में कट ऑफ हमने रखा है 11+, मतलब ये कि 12 अगर आप स्कोर करते हैं उसके आसपास, तो करंट अफेयर्स में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली 12 के आसपास आप स्कोर्स करते हैं, 12-13 अगर कर लेते हैं तो आउटस्टैंडिंग, हम कहेंगे 13 के आसपास, 13-14 आउटस्टैंडिंग होगा। डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी है अगर आप इतना स्कोर करते हैं, लेकिन अगर 11 से कम करते हैं तो वो भी घबराए ना। हम लोग आने वाले दिनों में जिस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके भी नंबर्स बढ़ेंगे। साथ ही कुछ लोग PDF की बात करते हैं, तो PDF हमारा रेडी नहीं है, इसे आप कोई चालाकी ना समझें। ये सब हमारा कोई चाल नहीं है, कोई भी इसमें छुपी हुई बात नहीं है। हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि हमने कुछ दिनों पहले तक प्लेलिस्ट भी नहीं बनाया था, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। PDF जब भी रेडी होगा हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। चलिए आज के इस करंट एक्सप्रेस के दूसरे एपिसोड के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार के लिए कहां 2 नए भंडार क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है। देखिए, इसे समझ लें कि सरकार अपने रिजर्व के लिए, पेट्रोलियम के रिजर्व के लिए पहले से ही कुछ जगहों पे रिजर्व बना के उसने रखा है, लेकिन अब 2 नए रिजर्व जहां बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम को सुरक्षित रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, ये 2 नए क्षेत्र कहां हैं, किस राज्य में बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा और कर्नाटक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इससे पहले 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पहले से ही दक्षिण भारत में हैं, जिसकी क्षमता लगभग 5 मिलियन टन की है। अब ये 2 नया जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है, जिसकी घोषणा हुई है, इसकी क्षमता होगी लगभग 6.5 मिलियन टन, जो पूरे भारत में 12 दिन का रिजर्व उपलब्ध कराएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेरिटेज कैबिनेट किसने बनाया है ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए, मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन के लिए। आप सोच लें, आप ध्यान रखें, पांचवें क्वेश्चन पे भी जो ऑप्शन है पांचवा, उस पे भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, माफ करें, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पांचवा ऑप्शन, ओडिशा में इस तरह का हेरिटेज कैबिनेट गठित हुआ है, जो ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण और प्रिजर्वेशन के लिए काम करेगा। 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया, 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, वैंकूवर कनाडा में आयोजित हुआ, हर 3 साल पर यह आयोजित होता है, जुलाई में यह आयोजित हुआ था। आज का चौथा क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला संगीत कला निधि सम्मान 2018 किसे देने की घोषणा की गई है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कल ही देखा था कि कुछ अलग तरह के अवार्ड्स BPSC में पूछ लिए जाते हैं, जो रेगुलर अवार्ड से अलग होते हैं, ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है, संगीत कला निधि सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणा साई राम, मद्रास म्यूजिक एकेडमी कर्नाटक संगीत में किसी विख्यात शख्सियत को यह अवार्ड देती है, इस बार अरुणा साईराम को यह दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ने, आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ऑनलाइन शिकायत के लिए किस नए ऐप को जारी किया है, यानी अगर चुनाव हो रहा हो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा हो, तो आप इस ऐप पे
शिकायत करेंगे तत्काल कार्रवाई होगी। ये ऐप कौन सा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विजिल, यानी सी। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत हैं, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। सी का मतलब सिटीजन, तो ये सी विजिल, विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना, तो सी विजिल ऐप। आज का छठा क्वेश्चन, हिमा दास ने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अखबार का ये बड़ा हेडलाइन बना था ये जब ये जीते थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। ये वर्ल्ड इवेंट था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन हर 2 साल पे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित करता है। इसमें हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का 7वां प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत सरकार ने $200 मिलियन का समझौता किसके साथ किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $200 मिलियन का समझौता किसके साथ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ यह समझौता किया गया है। दरअसल छोटे बच्चों में कुपोषण की स्थिति भारत में बहुत खराब है। ये लगभग 38% बच्चे कुपोषित हैं, इन्हें 2022 तक 25% पर लाना है। इसके लिए सरकार ने बड़ी योजनाएं की हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया है, यानी नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन। ये 8 मार्च को लॉन्च हुआ था, अब वर्ल्ड बैंक के साथ अभी हाल ही में यह समझौता हुआ है। आज का 8वां क्वेश्चन, विश्व नवाचार सूचकांक यानी वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आप कहें, यह कौन सी संस्था जारी करती है? किसी भी देश में नया जो इनोवेशन है, नए नए कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर दरअसल ये इंडेक्स बना है, जिसमें भारत का पोजीशन 57th है, 57वां है। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि ये जारी कौन करती है संस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा वीपो, यानी विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। ये वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है, भारत का 57वां पोजीशन है। आज का 9वां क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? फोर्ब्स हर साल इस तरह का लिस्ट जारी करती है, सोच ले। तो इसका आंसर हो जाएगा शी जिनपिंग। ये दरअसल मार्च में जारी हुआ था। शी जिनपिंग फर्स्ट पोजीशन पे, पुतिन दूसरे पोजीशन पे और ट्रंप तीसरे पोजीशन पे, ये यहां इस लिस्ट में थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री 9वें पोजीशन पे थे। आज का 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑपरेशन कहां परिचालन हुआ है? पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, सोच लें, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जर्मनी, यानी सस्टेनेबल ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन पावर्ड, ये जर्मनी में सितंबर में, 16 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है। आज का 11वां प्रश्न, पाक्योंग हवाई अड्डा जिसका हाल ही में शुभारंभ हुआ है, किस राज्य का पहला हवाई अड्डा है? पाक्योंग हवाई अड्डा एरोड्रम, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, 24 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। ये भारत का कुछ गिने चुने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों में से एक है। आज का 12वां क्वेश्चन, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस किसकी आत्मकथा है? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति के रूप में इनके पहले साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो ये उनकी आत्मकथा आई है। आज का 13वां क्वेश्चन, जनवरी से दिसंबर वित्तीय वर्ष अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग ने, अब भारत सरकार का भी फाइनेंशियल ईयर
साल में 1 जनवरी से दिसंबर के बीच करने को लेकर रिकमेंडेशन तैयार किए हैं। ये कौन सा राज्य जिसने इसे अपना लिया है? वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन मध्य प्रदेश, सी। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जनवरी से दिसंबर वित्तीय वर्ष अपनाया है। 14वां क्वेश्चन, 24वां क्रिस्टल अवार्ड 2018 किस भारतीय फिल्म अभिनेता को दिया गया है? क्रिस्टल अवार्ड 2018, यह भी ध्यान से बनाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, शाहरुख खान को दिया गया यह अवार्ड। यह दरअसल जनवरी में ही इसकी घोषणा हुई थी। आज का 15वां और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में निवेश करने वाले पहले सबसे बड़े निवेशक कौन से हैं, किस देश के हैं? यानी रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने वाला देश कौन सा है? टॉप 3 कंट्रीज, ध्यान से सोच कर आप बनाए। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशियस, सिंगापुर और नीदरलैंड। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसका तीसरा पोजीशन ध्यान देने वाला। नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वर्ल्ड का भारतीय संदर्भ में। तो आज के ये करंट अफेयर्स यहीं तक, उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कोर्स किए होंगे। 11 प्लस है तो आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड हैं। कल एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। टेक केयर।